हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक और वीडियो के बारे में, एक और टॉपिक के बारे में आपका डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपका टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई कंडीशन भी आपका बोलते हैं। तो ये कंजक्टिवाइटिस आपका होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंजक्टिवाइटिस जो आपका वर्ड है वो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका बना है, यानी कि कंजक्टिवा और प्लस आईटीआईएस है। कंजक्टिवा जो है वो हमारी जो आई है, हमारी आई आंखें जो हैं उसके अंदर एक आपका क्या होती है, लेयर होती है, एक परत होती है आपका, ठीक है। हमारी आई का एक भाग कॉर्निया, तो जो हमारी आई का कॉर्निया जो है आपका, ठीक है, तो कॉर्निया के ऊपर एक आपका कॉर्निया के ऊपर लेयर है, परत है, उस परत को आपका कंजक्टिवा बोलते हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका आंख के कॉर्निया के ऊपर आपका परत है। आईटीआईएस, तो आईटीआईएस जो आपका सफिक्स है यानी कि अनुलगन, ये आपका स्टूडेंट्स दर्शाता है किसको, इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, शोथ हिंदी के अंदर, या फिर आपका पर्दा। तो आपका जो कंजक्टिवा जो परत है उसकी शोथ या पर्दा या इन्फ्लेमेशन की आपका जो कंडीशन है उसको स्टूडेंट्स आपका क्या बोल देंगे, कंजक्टिवाइटिस। यानी कि आपका कंजक्टिवाइटिस क्या हो गया कि हमारी जो कंजक्टिवा लेयर है, कंजक्टिवा का शोथ या आपका क्या कहें, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन। तो कंजक्टिवा का जो इन्फ्लेमेशन है उसी को बेसिकली आपका क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस कहेंगे आपका, ठीक है। तो बेसिकली हमारी आंखें जो हैं, हमारी आंखों का जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया के ऊपर आपका जो आईलिड होती है उसकी आंतरिक आपका जो आपका लेयर होती है, अंदर की तरफ की जो साइड होती है वो एक परत का निर्माण करती है, उस परत को ही आपका क्या बोल देते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं आपका, ठीक है। और ये जो कंजक्टिवा है इसमें आपका किसी कारण से क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो आपका उसको क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई कंडीशन। कंजक्टिवा जो होता है हमारी आई का कंजक्टिवा, तो ये आपका जिस उपकला का बना होता है, जिस एपिथीलियम का बना हुआ होता है, वो आपका इसमें होती है नॉन केरेटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्लस गोबलेट सेल्स एंड प्लस में इसके दूसरे जोन के अंदर आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इसके कौन से जोन में है आपका। तो आपका ये मल्टी लेयर आपका क्या है, परत है, तो जिसके अंदर आपका नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम विद गोबलेट सेल्स और प्लस में आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम जो है वो आपका पाई जाती है, यानी कि उसकी ये बनी हुई है आपका, ठीक है। निर्माण कौन करता है कंजक्टिवा का आपका, तो कंजक्टिवा जो है उसका निर्माण करता है आपका आईलिड जो होती है, आईलिड्स, तो आईलिड्स का जो आंतरिक आपका, ठीक है, आंतरिक जो आपका क्या होता है भाग, वो बेसिकली आपका कंजक्टिवा का, ठीक है, कंजक्टिवा का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो आपका कंजक्टिवा है ये बेसिकली किसको ढके हुए है, कंजक्टिवा हमारी आंख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया को आपका क्या रहती है, कॉर्निया को ढके रहती है। और आप स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि बेसिकली आपका जो कॉर्निया है वो आपका आई की जो सबसे बाहरी परत होती है, उस परत का जो आउटर मोस्ट जो आपका कोट है उसके आपका दो पार्ट हैं, एक स्क्लेरा और एक आपका कॉर्निया। तो आई की जो सबसे बाहरी आपका परत है उसका आपका आगे का भाग, ठीक है, यानी कि आगे का भाग है कॉर्निया जो है वो हमारी आंख की आई बोल के सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके आगे के भाग को आपका स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो है या फिर आपका यानी कि कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, यानी कि कंजक्टिवा का
इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या जो इन्फ्लेमेशन है वो बेसिकली इसके कारण क्या है यहाँ पर, ठीक है। यदि हम कोज की बात करें, यदि इसके कारणों की बात करें कि किन कारणों के कारण ये आपका कंजक्टिवाइटिस जो है वो कंडीशन आपका अराइज होती है आपका, ठीक है। तो कारण में स्टूडेंट्स मुख्य तीन बातें हैं, या तो आपका एलर्जी के कारण किसी सब्सटेंस, कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके कारण आपका क्या हो जाए, एलर्जी हो जाए, या फिर स्टूडेंट्स आपका किसके कारण है, इन्फेक्शन के कारण, यानी कि आपका संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन। एंड आपका तीसरा जो कारण है वो स्टूडेंट्स है ट्रॉमा, यानी कि चोट। तो आपका कई बार जो चोट वगैरह जो होती है वो लग जाती है, उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस आपका हो सकता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आपका इन्फेक्शन के कारण कंजक्टिवाइटिस, एंड ट्रोमा के कारण आपका कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि यदि इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया का हो सकता है स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कंजक्टिवाइटिस, तो आपका वायरल जो इन्फेक्शन है उसके कारण हो सकता है। तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन आपका अराइज हो सकती है। यदि बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण कंजक्टिवाइटिस है तो ये स्टूडेंट्स आपका ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या होता है, संक्रामक होता है, ये कॉन्टाजियस होता है, ठीक है, कॉन्टाजियस, ठीक है, कॉन्टाजियस आपका कंडीशन है। इट मीन्स ये आपका स्प्रेडिंग है, फैलने वाला है आपका, ठीक है, यानी कि ये आपका एक आई से दूसरी आई में, एक पर्सन से दूसरी आई आपका पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो आपका जो कॉन्टाजियस आपका यदि यानी कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है आपका है, तो उसके कारण आपका कॉन्टाजियस आपका कंजक्टिवाइटिस होता है, जो आपका स्प्रेडिंग इन नेचर है। एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट जिसका नाम है क्लेमाइडिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्ले आपका माइडिया, तो ये एक बैक्टीरियम का नाम है क्लेमाइडिया। तो ये जो क्लेमाइडिया आपका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लेमाइडिया, ठीक है, बैक्टीरिया, इसके कारण बैक्टीरिया के कारण ठीक है क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। और यदि छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर यदि इस बैक्टीरिया का कारण आपका कंजक्टिवाइटिस है, तो ये बच्चे के सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज को आपका इंडिकेट करता है आपका, कि बच्चे का आपका क्या हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके कारण क्लेमाइडिया जो है वो आपका उसका इन्फेक्शन हुआ है और कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन आपका उत्पन्न हुई है। तो कारण जो है कंजक्टिवाइटिस के, यानी कंजक्टिवाइटिस के इन्फ्लेमेशन के, वो मुख्य रूप से एलर्जिक होता है, या फिर आपका इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरिया या वायरसेस के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स आपका क्या है, ट्रोमा, यानी कि जो इंजरी है उसके कारण आपका यानी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके लक्षण देखें, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स आपका क्या है। तो यदि आपका लक्षणों की बात करें तो ये भी आपका कंजक्टिवाइटिस से ही संबंधित होंगे। सबसे पहला लक्षण तो स्टूडेंट्स होगा इचिंग, ठीक है, यानी कि क्या है, इचिंग यानी खुजली, ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या रहता है, तेज खुजली रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है, इचिंग रहेगी आपका, ठीक है। उसके बाद में बर्निंग, यानी कि बर्निंग जलन आपका रहती है, और उसके बाद में बेसिकली आपका जो है वो बेसिकली आपका क्या रहेगा, यानी कि स्क्रैची आईलिड्स, ठीक है, यानी कि रगड़ वाले, ठीक है, स्क्रैची आपका क्या है, स्क्रैची रगड़न वाले आपका आईलिड्स, स्क्रैची आईलिड्स। और बाकी के जो आपका लक्षण है वो आपका इन्फ्लेमेशन से संबंधित ही होते हैं, यानी कि रेडनेस रहता है, रेडनेस यानी कि आंखें लाल हो जाती हैं आपका, इसलिए इसका नाम पिंक आई रखा गया, रेडनेस आपका उपस्थित होगी। एडिमा उपस्थित होगा, यानी कि आंख के अंदर सूजन आ जाएगी आपका स्टूडेंट्स। और उसके बाद में डिस्चार्ज, यानी कि जो पानी आना, तो डिस्चार्ज पानी आना, ये बेसिकली इसके अंदर आपका क्या रहते हैं, लक्षण रहते हैं। तो आपका इचिंग है, खुजली, बर्निंग, स्क्रैची आपका आईलिड्स, रेडनेस, एडिमा और डिस्चार्ज, ये मेनली आपका क्या रहते हैं, लक्षण रहते हैं आपका, ठीक है। अब इसका देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट,
यानी कंजक्टिवाइटिस का मैनेजमेंट क्या है आपका। तो स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के अंदर मुख्य जो बात होती है वो आप किसके ऊपर फोकस करते हैं, सबसे पहले तो ICM के ऊपर आप, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, कंट्रोल आपका मेजर्स, यानी कि संक्रमण को नियंत्रण करने वाले उपाय, उन उपायों के ऊपर आप क्या करेंगे, आपका फोकस करेंगे। और संक्रमण को ICM को आपका यदि हम बात करें, संक्रमण को नियंत्रित करने वाले उपायों की बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहला जो उपाय होता है संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, वो बेसिकली आपका गुड हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन यानी कि बेसिकली हाथों की जो आपका है वो साफ सफाई, ठीक है, हाथों की आपका साफ, हाथों की साफ सफाई, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देने की आपका बहुत ही आवश्यकता है। और साथ में ही यानी कि टावल हो गया, ठीक है, टावल एवं जो आपका वाश क्लॉथ्स होते हैं, वाश क्लॉथ्स, उनको आपका क्या नहीं करें, शेयर नहीं करें, घर के दूसरे लोगों के साथ में उनको आपका यूज़ करने के लिए नहीं दें, या उनके यूज़ किए हुए टॉवल एंड वॉश क्लॉथ्स का आपका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका क्या है, उपाय है, जिसको आपका कर सकते हैं। उसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए दूसरा जो उपाय होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली होता है एंटी बैक्टीरियल, यदि इन्फेक्शियस है तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, ठीक है, एंटी वायरल आई ड्रॉप्स जो भी डॉक्टर ने आपका प्रेस्क्राइब किए हैं वो आई ड्रॉप्स को आपका अप्लाई करना है, या फिर और ऑइंटमेंट, यानी कि कोई आपका ऑइंटमेंट है आपका, तो क्रीम वगैरह एक टाइप का है, तो उसको आपका एडमिनिस्टर करना है, उसको आपका आँख के अंदर डालना है आपका, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल जो आई ड्रॉप्स होते हैं या ऑइंटमेंट होते हैं, वो आपका आँख के अंदर आपका जैसा डॉक्टर का निर्देश है वैसा बेसिकली आपका क्या करना है, अप्लाई करना है आपका, ठीक है। यदि एलर्जिक आपका कंजक्टिवाइटिस है तो डॉक्टर्स जो हैं वो एंटी हिस्टामाइन तो एंटी हिस्टामाइन आपका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन का उपयोग यदि आपका क्या है, उपयोग यदि एलर्जिक आपका, ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो आपका, ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो बेसिकली आपका किसका उपयोग करना है, एंटी हिस्टामाइंस का, ये डॉक्टर के द्वारा आपका क्या रहेगा, लिखा हुआ होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका खुजली है और सूजन जो है, इरिटेशन जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि जो परेशानी होती है आँख के अंदर जलन वगैरह, उसको कम करने के लिए यानी कि कूल कंप्रेस यानी कि जो बर्फ जो है उसका, बर्फ का आपका सेक कह सकते हैं, तो आपका कूल कंप्रेस आपका लागू करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, कूल कंप्रेस का उपयोग करें, ठीक है, करें ताकि सूजन एवं इरिटेशन में कमी आए, ठीक है, ये जो खुजली वगैरह हैं इरिटेशन में कमी आए, तो इसके लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, कूल कंप्रेस जो है उसका आपका बेसिकली आपका उपयोग कर सकते हैं। फिर ऐसे जो आपका कैंडिडेट्स हैं, मरीज हैं, उनको यानी कि ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक जो ग्लास है, ठीक है, ब्लैक ग्लास, काले चश्मे का उपयोग करने चाहिए, ब्लैक ग्लास का उपयोग करें ताकि आपका फोटोफोबिया से बचा जा सके। तो फोटोफोबिया से बचने के लिए आपका इनको ब्लैक ग्लास जो है वो आपका क्या करना चाहिए, वियर करना चाहिए। उसके बाद में आई को इंजरी से बचाने के लिए यानी कि आपका आँखों में, ठीक है, आईज में इंजरी ना हो, ठीक है, आईज को और नुकसान ना हो, आईज के नुकसान को, ठीक है, तो आपका आईज में इंजरी को रोकने के लिए आँखों को रगड़े नहीं,
तो बेसिकली आंखों को आपका रगड़ना नहीं चाहिए, आंखों को रगड़ते हैं आपका, रबिंग करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा डैमेज और इंजरी होने के आपका क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। और यदि कोई मरीज ठीक है कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग करता है ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग करना बंद कर दें ठीक है। एवं जब उपयोग करें, जब कभी ठीक है कभी उपयोग करें तो नए कॉन्टैक्ट लेंस ठीक है न्यू कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करें ठीक है। जो अपने पास में है उनको फेंक दें, नए कॉन्टैक्ट लेंस का आपका उपयोग करना चाहिए। और जो फीमेल्स हैं आपका उनको यदि कंजक्टिवाइटिस है तो आई मेकअप ठीक है, आई का जो मेकअप है उस मेकअप को, आई मेकअप को नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये बेसिकली इसके क्या हैं आपका ट्रीटमेंट के उपाय हैं। तो ट्रीटमेंट के उपायों के अंदर सबसे पहले तो संक्रमण नियंत्रण के उपाय जो हैं, ICM जो है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए आपका हाथों की साफ सफाई आपका रखना, आपका टॉवल्स वॉश क्लॉथ्स जो हैं उनको घर के लोगों के साथ में शेयर नहीं करना। फिर डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसन्स हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल वो आई ड्रॉप्स को आंखों में डालना, या एंटीहिस्टामाइन आपका यदि आपका लिखा है तो एंटीहिस्टामाइन का आपका उपयोग करना यदि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो। फिर कूल कंप्रेस यानी कि जो बर्फ जो है उसका आपका सेक करना चाहिए आंखों के ऊपर ताकि आपका इरिटेशन जो है उसको आपका कम किया जा सके। आपका जो फोटोफोबिया है उससे बचने के लिए काले चश्मे को आपका पहनना चाहिए, यानी कि जो डार्क आपका ग्लास है उसको वियर करना चाहिए। आंखों की इंजरी को रोकने के लिए आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए आपका। यदि कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग बंद करना कर देना चाहिए। जब कभी भविष्य में आपका उपयोग करें तो आपका नए कॉन्टैक्ट लेंसेज का ही उपयोग करें। और फीमेल्स जो हैं उनको आपका आई मेकअप जो है उसको आपका नहीं करना चाहिए यदि उनको कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई कंडीशन है तो आपका ठीक है। स्टूडेंट्स यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आपका चैनल को आपका सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और जो आपका वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा आपका ठीक है। आपका वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे जो साथी हैं उनको आपका चैनल जो है वो रिकमेंड करें, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो वीडियोज़ हैं वो आपका विभिन्न कंडीशंस के ऊपर आपका बनाऊँगा। धन्यवाद।